बांका जिले में उत्पाद विभाग की तरफ से नोडल रेड के तहत विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष धावा दल के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें न केवल भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब जब्त की गई बल्कि तस्करों की गिरफ्तारी से शराब माफियाओं में हड़कंप भी मचा है। उत्पाद अधीक्षक रविन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि बिहार झारखंड बॉर्डर पर मिरर चेक पोस्ट यानी दोनों राज्यों के चेक पोस्ट आमने सामने लगने से शराब माफिया उत्पाद टीम की नजरों से बच नहीं सकते हैं। द्वारा नशा मुक्ति के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, क्या क्या है सर इसके लिए? उत्पाद विभाग के द्वारा हेडक्वार्टर से गाइडलाइन रहता है और डीएम साहब द्वारा निर्देशित रहता है, प्रत्येक एक दिन गैप देके नोडल रेड हम लोग करते हैं। उस नोडल रेड में फोर्स हमारा भागलपुर में ग्रुप सेंटर है, वहाँ से आती है और यहाँ हम जिला में टीम बांट देते हैं। अब वो टीम हर क्षेत्र में क्षेत्र वाइज अपना मूवमेंट करती है और उस मूवमेंट के क्रम में जो भी सूचना इन्फॉर्मेशन गैदर किया हुआ रहता है वो अरेस्टिंग करते हैं या एट रैंडमली चेक किया जाता है, उसमें कहीं गाड़ी में मिल जाता है तो पकड़ाती है। और इधर थोड़ा सा झारखंड में चुनाव अभी नहीं हुआ है तो जितना जो बॉर्डर सटा है हमारे जिला से वहाँ मिरर चेक पोस्ट, मिरर मतलब पैरेलल चेक पोस्ट बना हुआ है झारखंड का, और वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स और जिला डिस्ट्रिक्ट फोर्स काफ़ी मात्रा में है, जिसके चलते उधर से आने का चांस कम बन रहा है। हम लोग प्रयास बहुत करते हैं लेकिन दारू पकड़ा नहीं रहा है सर। छापेमारी करके हमको फिर पुलिस को दे देना है और जैसे ही सूचना गैदर होती है हम लोग छापेमारी करते हैं। जो प्रथम बार जो है शराब सेवन में पकड़ा गया उसको क्या फाइन है सर? उसको 2,000 से 5,000 तक फाइन है सरकार की तरफ से। प्रथम बार शराब सेवन में पकड़े जाते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर 5,000 भी कर सकते हैं, मिनिमम 2,000 भी कर सकते हैं। फिर दोबारा अगर शराब पीने में पकड़ा गए तो उनको जेल भेज देना है, उनको बेल नहीं है, उनका सजा फिर बेल जेल से बेल होगा उसके बाद सजा होगा। क्या नाम है सर? रविंद्र कुमार सिंह, एक्साइज सुपरिटेंडेंट।